हाय एवरीवन, मैं पूजा। आइए चलते हैं, मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ जो वत्सल विलेज में हमने लिया है। आगे से राइट जाएंगे तो एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस आएगा और आगे चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दरवाज़ा खोलते ही जो है, पहले एंट्री करते ही एक छोटा सा गैलरी है। वो गैलरी का हमने बहुत अच्छा यूज़ किया है। राइट साइड में जो है मैंने गैस सिलेंडर रखा है जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, और पानी के बॉटल्स हैं जो एक्स्ट्रा बॉटल्स होते हैं वो हमने इधर रखे हैं। एक हमारा मून में हमने ऑनलाइन ऑर्डर डिस्काउंट में किया था वैक्यूम क्लीनर, और इधर हम एक वॉर्डरोब के ऊपर पानी रखते हैं, बॉटल रखते हैं, सैनिटाइजर है। एक कबोर्ड में हमने अपना शू रैक बनाया है, मैं उसके ऊपर अपने बैग्स वगैरह रखते हैं, एक बैग वगैरह जी। उसके अलावा हमने कुछ डेकोरेटिव आइटम भी इधर से जाके रखा हुआ है। और ये देखिए मंदिर में जो है लाइट भी लगा, मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जहाँ पर हम सुबह शाम दो टाइम पूजा करते हैं दोनों मिलके। हाँ, मॉर्निंग में भी और नहा धो के, और इवनिंग में भी सांझ बत्ती देते हैं। ये काफ़ी अच्छा जो है दिवाली के टाइम में हमने लगाया था। और ये देखिए मेरी वाइफ जो है पूजा कर रही है यहाँ पे, तो मैं भी जो है हमेशा साथ देता हूँ उसका, और जब पूजा होता है तो, ताकि जो है हमारे घर में सुख शांति बना रहे जी। आप देख सकते हैं हम लोग ऐसे दिया बाती करते हैं, हमें अच्छा लगता है। सबको अपना रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए, पूजा करना अच्छा बात है। हम लोग जब से आए हैं तब से मंदिर में जो है हमने काफ़ी बड़ा ले लिया, नीचे भी और ऊपर करके जो है ना, और लाइट वगैरह भी लगाए हुए हैं, तो हमेशा हम लोग जो है ना पूजा वगैरह करते हैं। मैं अगर नहीं भी करता हूँ तो मेरी वाइफ तो हमेशा ही पूजा करती है। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे तो पूजा करना बहुत पसंद है, तो मैं पूरा अच्छे फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती, शंख बजाना, घंटी बजाना सब यूज़ करती हूँ। सबको अपना रिचुअल्स फॉलो करना अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है। चलिए मैं आगे ले चलूँगी अब आपको, आगे मैंने क्या क्या डेकोरेशन किया है आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मंदिर मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, छोटा सा मनी प्लांट है मैंने वहाँ रखा है, एंड ये मेरे पास पूजा के भगवान जो भी हैं, जो भी मैंने डेकोरेशन किया ये सब आप देख सकते हैं। एक छोटा सा एक्वेरियम भी है वाइट फिश है उसके अंदर। फिर मुझे टेडीज पसंद है, ये मेरा कर्टिन है देखिए जिसको मैंने फ्लावर से डेकोरेट किया है। राइट साइड में जो है हम लोग का किचन है जो हमने जो है वॉशिंग मशीन इधर लगा रखा है, और ऊपर जो है वार्डरोब वगैरह है। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर मैंने अपना सारा स्पाइसेस, दाल वगैरह सब कुछ यहीं पे रखा है। बहुत अच्छा स्टोरेज है, बहुत सारे सामान आ जाते हैं। और इसके अंदर गैस कनेक्शन का भी दिया हुआ है, जो पाइपिंग सिस्टम है ना वो वैसा भी दिया हुआ है जी। और कुछ ऊपर भी हमने जो है डेकोरेट करके रखा हुआ है। आगे से ये देखिए मैंने कटलरी रखा है, नीचे बेसिन के नीचे भी आप वॉशिंग के कुछ सामान है जो रख सकते हैं। ये कुकिंग रेंज का स्टैंड है, यहाँ पे आपको एक चिमनी मिलता है, एंड ये मेरा फ्रिज है। इधर एसी के लिए जो है ना रिमोट दिया हुआ है, और यहाँ से बाहर जो है गेट वगैरह ओपन कर सकते हैं, कोई डिलीवरी बॉय आता है, फायर एक्सटिंग्विशर और बटन वगैरह। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही वत्सल विलेज में जो है ना वाटर हीटर और वॉशिंग मशीन का कनेक्शन पहले से दिया हुआ है, वाटर हीटर भी इन्होंने पहले से लगा के दिया हुआ है। और अगर बाथरूम की बात की जाए तो देखिए बाथरूम काफ़ी अच्छा है हमारा, झरना वगैरह है, पहले से ग्लास वगैरह लगा करके इन्होंने दिया हुआ है। ये रूम के तरफ लेके चलती हूँ, ये कर्टन्स देखिए, मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगे तो मैंने लगाए। इधर एक हमारा कबोर्ड है जो मैंने डेरा नाइफ से ख़रीदा था, बहुत ही रीजनेबल और अच्छे प्राइस में। ये मेरे बेटे की फ़ोटो है। ये मेरा क्यूट सा ड्रेसिंग टेबल है जिसमें मैं अपना सारा मेकअप का सामान रखती हूँ। एक फ़ैन है जो हम लोग रात में यूज़ करते हैं कभी कभी, अभी मौसम अच्छा हो गया है ना तो हम लोग मोस्टली फ़ैन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने टीवी भी लगा रखा है, टीवी यूनिट काफ़ी अच्छा हमने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत सारा परफ्यूम भी है इसके अंदर। ओके, उसके अलावा ये बेड आप देखिए, ये हमारा बेबी का बेड है जो अभी 6 मंथ ओल्ड है, उसको मैंने डेकोरेट करके रखा है। ये हमारा बाजू में हमारा बेड है, तो हमारा बच्चा, हमारा छोटा सा क्यूट सा घर आप देख सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा केटल है, ये अगर बेड
उठना चाहे बैठ सकते हैं, एक लोग आराम करना चाहे आराम कर सकते हैं। आज मैंने राइस और चिकन करी बनाया है, देखिए मैं सर्व कर रही हूँ। आज संडे है तो संडे वही स्पेशल है, जल्दी इजीली बन जाता है। हम बना के अब बस खाने जाना है, तो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस भी देख पाएंगे।